जैसा कि हम सब जानते हैं कि रईस और काबिल दो ऐसी फिल्में थी जिनके ऊपर सारे फैंस और क्रिटिक्स की नजर थी कि कौन कितना ऊपर जाएगा। और फिल्म के अंदर बातें अच्छी हैं, एक दो बातें अच्छी, हालांकि दुनिया खराब है, तो उम्मीद है बाकी एक्टर्स का काम, नवाज का, जीशान का, सब कुछ है उसमें। आई होप लोगों को अच्छी लगे, अभी यही उम्मीद है। अब दो बड़ी फिल्में रिलीज होंगी एक साथ तो ये कॉम्पिटिशन तो बनता है। फिल्मों का कॉम्पिटिशन तो ठीक है, लेकिन अब काबिल की हीरोइंस के बीच में भी शुरू हो गया है एक अलग कॉम्पिटिशन। हम बात कर रहे हैं यामी और उर्वशी रौटेला की। इन दोनों के बीच में शुरू हो गया है ये साबित करने का कॉम्पिटिशन कि कौन कितना काबिल है। एक तरफ उर्वशी हर किसी को ये कह रही है कि वो काबिल के लिए लकी चार्म साबित हुई है। जी बहुत ही ज़्यादा खुश हैं हम, इस मोर देन 55 मिलियन व्यूज़ हमने क्रॉस कर दिए हैं और वी आर स्टिल काउंटिंग, सो या इट इज आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट इट आई विल गेट सच अमेजिंग रिव्यू। क्योंकि उन्होंने एक आइटम नंबर किया है इस फिल्म में और दूसरी तरफ बेचारी यामी लीड एक्टर होने के बावजूद भी कोई क्रेडिट नहीं मिल पा रहा, लेकिन वो उर्वशी से बहुत परेशान हो चुकी है। हालांकि सनम रे मूवी में इन दोनों आर्टिस्ट ने साथ में काम किया था और मूवी ने अच्छा खासा बिजनेस भी किया था। चाहे अनचाहे यामी और उर्वशी एक दूसरे का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। काबिल के प्रमोशंस के लिए जब पूरी टीम कपिल शर्मा के शो पर जाने वाली थी तब यामी ने जाने से पहले कहा कि वो नहीं आएंगी क्योंकि वहां उर्वशी होंगी, लेकिन फिर वो मान गई। लेकिन शो पर आने के बाद जब उन्होंने देखा कि उर्वशी खुद का प्रमोशन कर रही है और लीड एक्ट्रेस की जैसा बिहेव कर रही हैं, तो वो बहुत नाराज हो गई। अब यामी के गिले शिकवे कब खत्म होंगे ये तो भगवान ही जाने, लेकिन जैसा चल रहा है उससे तो यही लगता है कि हॉट स्टार उर्वशी रौटेला का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। सो फ्रेंड्स, प्लीज कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस इज प्रीति राव फ्रॉम नर्जिस न्यूज।